नमस्कार दोस्तों, टेक यूट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे पास आ गया है एक 12 टोनर, जो इसमें कस्टमर का कहना है कि प्रिंट सही नहीं आ रहा है, लाइनिंग आ रहा है एक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। मैंने इस भी प्रिंटर में डाल दिया है टोनर को, अब चेक करते हैं हम। तो का प्रिंटर ऑन हो चुका है। आप लोग ये वीडियो अच्छा लगे मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देखिए ये जो लाइनिंग आ रहा है, ये मतलब दिक्कत आ रहा है इस टोनर में। चलिए सबसे पहले हम लोग अपने कार्टेज को ओपन करते हैं, क्या दिक्कत आ रहा है और फिर अब आगे देखते हैं, ठीक है। आप लोग मेरे वीडियो पे नए हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए हम लोग ये है टोनर HP का है, 12 है। देखिए यहाँ पर दाग हो रहा है, इसको दिक्कत आ रही है वाला। चलिए ओपन करते हैं पहले। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है इंक जो है ज़्यादा उठा रहा है। देखिए यहाँ पर जो है ना मोटा लेयर भरना हुआ है, इसका मतलब कि इंक जो है ज़्यादा उठा रहा है। इसके जो ब्लेड वो लगा हुआ है, मैग्नेट ब्लेड बोलते हैं इसको, इसी से दिक्कत आ रहा है। चलिए मैं इसको ओपन करके हम मैग्नेट ब्लेड को साफ़ करके फिर से डालते हैं। देखिए ये है ब्लेड, इसी को हम अच्छे से साफ करेंगे, साफ के फिर से डाल देंगे तो हम लोग का ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम। देखिए हमने साफ कर लिया है ब्लेड को, अब यहाँ पे फिर से डालते हैं। ये हो गया। और देखिए इसमें जो कस्टमर अपने से इंक भरा हुआ है, तो यहाँ जो कैप लगा होता है, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है ना, यहाँ पर जो लगा हुआ है कैप, यहाँ पर भी कैप लगता है, वो कैप मतलब कि वो हटा दिया है, लेकिन हम लोग कैप इसको डाल देंगे हम। ऐसे होता है कैप, चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं कैप भी।
देखिए दोस्तों, हम लोग का प्रिंट आउट बिल्कुल सही हो गया है। देखिए पहले ऐसे आ रहा था हम लोग का, देखिए पहले ऐसे आ रहा था लाइनिंग, और पूरा कंप्लीट पूरा अच्छा तरह से हो गया हम लोग का। आप लोग मेरे वीडियो पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।